हेलो दोस्तों, टेस्ट बिहार का चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने दूध पौवा बनाया है। ये शरद पूर्णिमा पे बनाया जाता है और गुजरात में ये खासकर बनाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दूध पोहा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पहले गर्म करना है। तो जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम लोग ये आधा कप मैंने पोहा लिया है, ये पोहा को हम लोग अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। देखिए दोस्तों, दूध थोड़ा सा हल्का गर्म हो गया है। अब हम लोग ये थोड़ा सा केसर मैंने लिया है, इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको रख देते हैं। इसमें थोड़ा सा केसर का कलर आएगा। बॉयल आ गया है दोस्तों। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, यह कट किया हुआ, इसमें मैंने बादाम, काजू और पिस्ता लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। और ये थोड़ा सा चीनी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसको भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा कुक हो गया है। अब हम लोग इसमें ये मैंने जो अब पोहा को जो वॉश करके रखा है इसको इसमें डाल देना है। और फिर ये केसर वाला दूध जो है उसको भी इसमें मिक्स कर देना है। और 5 मिनट तक इसको हम लोग कुक करेंगे। दोस्तों, ये शरद पूर्णिमा पे दूध पोहा बनाया जाता है। अगर आप लोग गुजरात में होंगे तो सबको पता होगा, गुजरात में खासकर ये बनाया जाता है दूध पोहा। तो शरद पूर्णिमा आने वाला है तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करना है। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया है, दूध पोहा बन के रेडी है। अब हम लोग चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों, पोहा दूध बन के रेडी है। आप लोग इसको शरद पूर्णिमा पे ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।